मैं बार बार बोलता हूँ ना, हमारे भीतर 3 ट्रिलियन सेल्स हैं और एक सेल में एक शरीर जितनी ताकत है। 1 cell = 1 body and 1 body = 1 universe। तुम सारा ब्रह्मांड अपने पिंड में लिए घूमते रहते हो और फिर भी तुम बेबस लाचार से कि हमारा क्या होगा। अरे तुम्हारा सब कुछ होगा, तुम योग करो, कपालभाति करो, हौसला रखो, हिम्मत मत हारो। कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, ये लड़का मंच पे बैठा हुआ है बाईं तरफ, इंजीनियरिंग में टॉप करता था, इसके ब्रेन हेमरेज हो गया, यहां से खोपड़ी फिर फोड़ करके काट के पेट में रख दी 2 साल तक, यहां से खोल गया, वजन हो गया इसका 90 किलो, आंखों से दिखना बंद हो गया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, घर में बैठे बैठे टीवी देख देख करके प्राणायाम किया, फिर थोड़ा सुधार हुआ, वो फिर खोपड़ी निकाल के यहाँ लगा दी, वो फूट फाट गई, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। आज जिन आँखों से देखना बंद हो गया था उन आँखों से दोबारा देखने लग गया और करीब 30 किलो वजन कम कर लिया, 90 किलो से दोबारा 60-65 किलो पे आ गया, 25-30 किलो वजन कम कर लिया। अभी कम से कम दूसरे का सहारा लेकर के चलने तो लग गया ना। इतना बड़ा संकट आने के बावजूद भी ये मध्य प्रदेश से आया है, हा? खड़ा हो जा भाई पहलवान, इसको थोड़ा सहारा दे के खड़ा कर दो। ये लड़का है, ये इंजीनियरिंग में टॉप करता था, इतनी हालत खराब होने के बाद भी इधर आ जा, अब इस ये चलने लग गया, इसका लेफ्ट साइड आ जा इधर, ये लेफ्ट साइड इसका पूरा ठहर गया था। भाई कैलाश विजयवर्गीय वहाँ के एक काफ़ी बड़े मंत्री हैं, उनका परिचित है, इनके भाई संघ में पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, वो लेकर के आए थे कल सब लोग इनको। मैंने कहा अब इसको यहीं छोड़ जाओ, अब जो थोड़ी बाकी कसर मसर रहेगी वो भी इसकी ठीक कर देंगे। लेफ्ट साइड इसको पूरा पैरालिसिस, आँखों से दिखना बंद, पूरा शरीर ठहर गया था। अब हौसले में कितनी ताकत होती है, उत्साह में कितनी शक्ति होती है, उसका ये लड़का जीता जागता प्रमाण है। अब भी मुस्कुराता रहता है, रोता नहीं है। तुम्हें छोटी छोटी बीमारियां हो रखी हो, उसी से परेशान हो रखे हो, बाबा ये मोटापा कम कैसे होगा, ये शुगर कैसे कम होगी, ये थायराइड कैसे कम होगा, है? इसको बोलते हैं हौसला, उत्साह। चल इधर, ये देखो इसको, यहाँ ये पूरा काट दिया था इसको यहाँ से, क्योंकि मध्य प्रदेश में गांव में था, फिर वहाँ से इसको दिल्ली लाना था, तो डॉक्टर ने कहा भैया अभी मर जाएगा, यहाँ तक तो पहुँचते पहुँचते, तो तुम ऐसा करो इसका खोपड़ा यहाँ काट के और इसको अलग कर दो, तब फिर दिल्ली तक इसको लाया गया। मैंने ये एक तरह से मौत के मुँह में से निकला हुआ है और अभी भी हिम्मत नहीं हारा हुआ है, अब ये भी ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो, मैं इसलिए इस बात को कहा कि कुछ लोग ना हिम्मत हार जाते हैं कि हम कैसे ठीक होंगे। ये कपाल भाती कर पाता था, हमने इसको कहा एक एक घंटा अनुलोम विलोम कर बेटा। मेरे पास लोग आते, बाबा जी डॉक्टर ने बोल दिया अब तो मरेगा, मैंने कहा मरेगा नहीं, तू कर ऐसा अनुलोम विलोम एक एक घंटा करना शुरू कर दे। 4th stage के कैंसर के पेशेंट, पहले तो सच में हमारे यहाँ लोग मरने के लिए आते थे, बहुत लोग यहाँ आकर के मरे भी हैं। क्यों आए? मरने के लिए थे, बोले मरने से पहले एक बार पतंजलि योग पीठ और लेके चलो, तो कुछ तो दरवाजे में घुसते घुसते ही मर गए, उनको ऐसा लगा पतंजलि योग पीठ आ गया, मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो वहीं मर गए। क्यों? 4th stage के कैंसर के पेशेंट, मैंने कोई आशा ही नहीं थी, बस एक बार पतंजलि योग पीठ देखा और शायद उनकी तमन्ना पूरी होगी, घुसने वो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही मर गए। ऐसी स्थिति के लोग आते थे हमारे पास, पहले आयुर्वेद में योग में ऐसे लोग भी नहीं आते थे, पहले तो कौन जाता था आयुर्वेद में, बोला
वह जी कब्ज हो रखा है, कोई चूर्ण दे दो पेट साफ करने का। पेट साफ करने का चूर्ण मांगने के लिए आते थे आयुर्वेद में, कैंसर के इलाज के लिए नहीं आते थे। लेकिन आज हमारे पास में कैंसर के इलाज के लिए नहीं आते, हम कैंसर ठीक करते हैं, किडनी ठीक करते हैं, लीवर ठीक करते हैं, जो मौत के मुंह में पहुंच गए थे उनको बाहर निकालते हैं। बस हौसले के साथ करना पड़ता है। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, तो एक सेकेंड में एक स्ट्रोक, वन सेकेंड वन स्ट्रोक, दिस इज द सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति प्राणायाम। कुछ लोगों ने यह भी भ्रांति फैला दी, बोले उच्च रक्तचाप है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, तो कपालभाति नहीं करना। करना कैसे? धीरे से, बहुत ही ज्यादा हालत खराब है तो 40 बार कर लो, 40 से 60 बार ये सेफ प्रैक्टिस है। और जो स्वस्थ हैं वो 100 बार कर लें। ऐसे तो जो स्वस्थ हैं वो 60 से 120 बार तक कर सकते हैं ना, लेकिन ये बीपी वालों को ऐसे नहीं करना। 5-7 मिनट लगातार हो गया ना आपका, ऐसे आधा घंटे तक कर सकते हैं। शरीर में 2-2 किलो की गांठ हमने ठीक की, 2-2 किलो की गांठ हो गई थी, और 100-100 गांठ, उसको बोलते हैं लाइपोमा, हाथ पैर। जैसे कल एक भाई बोल रहा था ना, वेरिकोज वेंस था बाबा जी, देहरादून से आए थे भाई, वेरिकोज वेंस, लाइपोमा, कैसी भी टीबी की गांठ, कैंसर की गांठ, पूरे शरीर की गांठ खुल जाती है। चलो थोड़ी देर में आपसे ही पूछता हूँ, आप में से कितने ऐसे भाई बहन है जिनको शरीर में कहीं पर भी गांठ थी और ठीक हो गई? गांठ हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में, यूट्रस में, कहीं पर भी जिनकी गांठ थी और गांठ ठीक हो गई, दोनों हाथ उठाना जरा। जिनकी गांठ अच्छी हुई है जरा हिलाते रहिए हाथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ये 10ों तो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, जिनको शरीर में गांठ थी ठीक हो गई। और ऐसे भाई कितने हैं, ये भी महिलाओं में ज़्यादा गांठ की प्रॉब्लम होती है, कई अलग छाती में गांठ हो जाती है, पेट में गांठ हो जाती है, यूट्रस में, हाथों में, पैरों में, भाई भी हैं, किसी को हाथ में, किसी को पैर में, कहीं पेट में, कहीं ना कहीं गांठ हो जाती है, बाद में वो कैंसर या टीबी पता नहीं क्या क्या हो जाता है। गांठ अपने आप डिजोल्व हो जाते हैं कपालभाति से। थायराइड आप में से काफ़ी लोगों का क्योर हो चुका है, दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, करना तो पड़ेगा, कपालभाति उठ जाएगी। बीपी क्योर हो चुका है। अब इस सिर में मैक्सिमम लोगों की बीपी की दवाइयां तो बंद हो ही जाएंगी, पहले से भी हो चुकी हैं, कुछ की पहले हो चुकी थी। शिविर में आने के पहले कितनों की ब्लड प्रेशर की दवाइयां छूट गई, जरा हाथ उठाना। शिविर में आने से पहले ही घर पे ही करते करते जिनकी छूट गई थी वो हाथ ही लाइए जरा। ये तो वो हैं जिनकी यहाँ आने से पहले घर में छूट गई थी, 7-8 हमारे भाई हैं, 4-5 बहनें हैं जिनकी घर पे ही छूट गई थी, और शिविर में आने के बाद अब बीपी नहीं बढ़ रहा और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एलोपैथी की दवाई छूट गई, वो हाथ उठा दो। अभी तो एक ही दिन हुआ है, हाथ ही लाइए ज़रा। एक दिन में ही 20-25 लोगों की तो छूटी गई है, बहनें भी हैं हमारी 10-12 और भाई भी हमारे 12-15। अब आज से और छूट जाएगी जिनकी नहीं छूटी थी। थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो थोड़ी दिन मुक्तावटी ले सकते हो। बीपी 100% क्योर होगा, थायराइड क्योर होगा, शुगर भी क्योर होगी, अर्थराइटिस भी क्योर होगा, हेपेटाइटिस भी क्योर होगा, कुछ नहीं बचेगा, रोग नहीं बचेगा। मैंने पिछले दिन उदाहरण दिया था, किसी दिन उनको एक दिन बुला भी देंगे। एक बहन है, उसका नाम है स्वामी प्यारी, चंडीगढ़ में रहती है, दोनों पति पत्नी योग का की सेवा का ही काम करते और कुछ नहीं करते। जब यहाँ लेके आए थे, स्ट्रेचर पर लेके आए थे, रीढ़ की हड्डी कैंसर के कारण से पूरी खत्म हो चुकी थी। जरा गौर से सुनना, रीढ़ की हड्डी के सारे मणके कैंसर के कारण से डिजनरेट हो चुके थे, फ्यूज हो चुके थे। प्राणायाम करके रीढ़ की हड्डी के वो मणके दोबारा से रीजनरेट हो गए। जैसे कल एक एडवोकेट बहन कह रही थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी कहीं से तो बड़ी हुई थी, कहीं से कमजोर हो गई थी। जहां से कमजोर होगी वहां से मजबूत होगी, जहां से बड़ी हुई थी वहां से बैठ गई, जहां से घिसी हुई थी वहां पैदा हो गई। पूरा बॉडी का मैकेनिज्म, पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म योग से एकदम पूरा 100% परफेक्ट हो जाता है। पूरा एक शरीर चक्र है, मूलाधार से सहस्रार तक 8 चक्र, अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयुध्या,
तस्याम हिरण्यकोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत देह दिवालय शिवालय बन जाता है। ओहो जबरदस्त। मैं वेट की बात कर रहा था, तीन तीन चार चार किलो वेट। अब मैंने जब पहली बार साइंटिस्टों के सामने बात रखी, बोले बाबा जी हम इस पर बिलीव नहीं करते। मैंने कहा देख लो, चलो भाई हम ऐसे मानते हैं कि भाई चलो यहाँ आकर के कोई टॉयलेट चला जाएगा, पेशाब चला जाएगा, कितना एक किलो कम हो जाएगा। और यहाँ तो ये तो मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंतर पड़ेगा। अब चार चार किलो हमारे करीब चार चार किलो दो भाइयों का, और तीन किलो 400 ग्राम, तीन किलो ऐसा करके चार पांच भाई बहन तो हमारे सामने हैं। एक हैं भाई हमारे कमल सिंह जी, इसका तीन किलो 400 ग्राम। किधर है कमल? ये इधर बीच में तगड़ा है एकदम। एक बार जोरदार अभिनंदन है। तीन किलो 400 ग्राम तो इसका कम हुआ है। ये जब आया था तब इसका वजन था 116,400, अब हो गया 113। दूसरे हमारे भाई हैं जिन्होंने ज़्यादा कम किया है, तीन किलो, ये हैं एसपी कुमार। इनका वजन था जब आए थे तब 94,800, अब इनका 91 रह गया है। ये तो 94,80 ग्राम था, 94 किलो 80 ग्राम, अब हो गया इनका 91 किलो। ये कौन है हमारे भाई एसपी कुमार? किधर है? इधर, ये सामने कुर्सी पे बैठे बैठे कर लिया कुर्सी पे बैठे बैठे प्राणायाम किया, सूक्ष्म व्यायाम किया। ये जोरदार अभिनंदन है इनका, तो और जोरदार। कुर्सी पे बैठे बैठे ही घट गया। अब ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, इसको कैसे झुठला दोगे? वही मशीन, वही आदमी है? फिर चार चार किलो दो का कम हुआ, ये दोनों भी खड़े हो जाओ। एक तो प्रेम सिंह, ये था 99 किलो 50 ग्राम, अब हो गया पूरा 95 किलो। किधर है प्रेम सिंह? प्रेम सिंह कौन सा? वो पीछे है भाई हमारा, जोरदार अभिनंदन है उनका भी, पीछे खड़े हुए हैं। और दूसरे हमारे भाई राजेंद्र सिंह, राजेंद्र किधर है? राजेंद्र सिंह भी इसका था 97, और 97 से अब 93 पे आ गया है। 97 किलो 600 ग्राम या कुछ था इसका, अब 93 आ गया। जोरदार अभिनंदन है इनका भी है, ये तगड़े तगड़े भाई हमारे। तो जब ये तो मैंने चार पांच भाई वो बताए जिनका तीन किलो चार किलो कम हुआ है। सर तीन चार किलो नहीं होगा तो एक किलो तो खिसकेगा। अरे एक नहीं तो आधा तो खिसकेगा, जाएगा तो नीचे। ये तो वेट वाली बात हुई, जिसको कहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट। ये तो कुछ का मैंने बोला है, बाकी आपसे और भी पूछा है था। मैं एवरेज पूछ लेता हूँ, जिनका दो दो किलो वजन कम हो चुका, आज दूसरा दिन, आज का आज तो अभी पता लगेगा, सेशन के बाद कराएंगे। जिनका एक दिन, कल का एक दिन में, मैंने कल सुबह किया था फिर आज सुबह आकर के किया, एक दिन में जिनका दो दो किलो वजन कम हो गया, वो हाथ उठाना। दो दो किलो वाले, चार किलो वाले तो मैंने उठवा दिए थे, दो किलो वाले बहने और दो किलो वाले भाई हाथ हिलाइए जरा। ये दो किलो वाले तो थोक में बैठे हुए हैं, बहने भी कुछ तो इकट्ठी बैठी हुई हैं, दो दो किलो वाली सामने, और ये इधर भाई भी दो दो किलो वाले पीछे भी बहने हाथ हिला रही हैं, दो दो किलो वाली। चलो दो किलो वाले नीचे कर लो। जिनका एक से दो किलो के बीच में कम हुआ, ए सवा किलो, डेढ़ किलो, पौनी दो किलो, वो हाथ हिलाइयो। एक से दो के बीच में, इसमें और बड़ी संख्या है। और जिनका एक किलो कम हुआ वो हाथ हिला दो, जिनका एक ही किलो कम हुआ है। और जिनका एक, माने जिनका एक किलो से कम कम हुआ है, एक किलो से कम वाले, वो हाथ हिलाइयो। इसमें तो लगभग सभी सम्मिलित हैं।
शुरू तो हो गया, 250 ग्राम कम हुआ हो, 500 कम हुआ हो, शुरू तो हो गया, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, ये इंसुलिन एक दिन हो गया और इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी या इंसुलिन कम हो गया, वो खड़े हो जाओ। इंसुलिन कम हो गया या जरूरत नहीं पड़ी, पहले तो इसी बेटे से पूछते हैं। कितना था बेटा? सर नमस्कार। नमस्ते बेटा। सर मेरा नाम अंशुल राणा है। कितना था बेटा इंसुलिन? 4 बार लगता था। 4 बार। यूनिट कितनी लेता था? सुबह के टाइम 8। 8। दोपहर के 10। 8-10। और शाम को फिर 8। 8। और सोने से पहले 28। 28। 28, 8, 10, 8। अब कितनी ले रहा है बेटा कल? ये तो मैंने बंद कर दी। अब कितनी है शुगर? आज ना पहले चेक करेंगे, आज चेक कराऊंगा। कल कितनी थी, शाम को नहीं चेक की? नो सर। हाँ नहीं सर, अभी इसकी चेक कर लो भाई। कहाँ हमारे डॉक्टर? इसका ग्लूकोमीटर ला के इसका चेक कर लो। दूसरा कौन सा है बेटा? मैं चेक तो करवा लेनी चाहिए, है ना? ठीक है सर, चेक करवा के फिर बंद किया करो बेटा। तो अभी यहीं इसका चेक कर लो और अभी पापा जी हो। ओम बेटा। मेरा नाम मुकुल है, पलवल से आया हूँ। मेरी 1.5 साल पहले इंसुलिन स्टार्ट हुई थी 45 यूनिट से। मैं आपके पिछले दिसंबर वाले शिविर में भी आया था। अब जब मैं इस शिविर में आया हूँ, मेरी 8 थी, अब मेरी बस 5 रह गई है। मैं गर्मियों में 100 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ, सर्दियों में 150 बार करता हूँ। 100 बार गर्मियों में, सर्दियों में 150 बार सूर्य नमस्कार करता है और प्राणायाम करता है कपालभाति। इसकी पिछली बार आया था तब 45-46 थी, फिर इसकी 8 रह गई, अब मात्र 5 ले रहा है। ये 5 भी छूट जाएगी। ये मुकुल ना, मुकुल है। संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए आपकी। और अब शुगर कितनी रहती है बेटा? नॉर्मल रहती है। फिर भी 90 से 100 के बीच में। 90 से 100 के बीच में रहती है, मेंटेन रहती है। और बच्चों को बोला जाता है कि इनका तो पेनक्रियाज वर्क कर ही नहीं सकता, ऐसा बोला जाता है। बोले ये तो पेनक्रियाज मर गया, इनका तो डेड हो गया। आशीर्वाद बेटा। और किसी ने कम की इंसुलिन? चलो ये तो बच्चे थे, अब बड़ों से पूछते हैं। चलो हाँ, कपालभाति करते रहो आप लोग। आवाजी प्रणाम। प्रणाम भाई। मैं 30 यूनिट इंसुलिन लेता था, जयपुर से आया हूँ, नरेश अग्रवाल। मैंने कल 1 भी यूनिट, सुबह 73 आई है मेरी। नाम क्या है? नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल। कितने लेते थे? 30 यूनिट लेता हूँ साहब। 30 यूनिट। और अब शुगर कितनी है? सुबह 73 है, जबकि कल गोली भी नहीं ली मैंने पूरी दिन। नहीं, अब शुगर कितनी है? 73 है सुबह की। 73 शुगर है और 30 यूनिट एक ही दिन में बंद कर ली भाई ने। चेक करते रहें, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ चेक करना ज़रूरी है। और इंसुलिन ये बढ़ती रहती है मात्रा, एलोपैथी में घटने का नाम नहीं। 30 की 60 तो हो जाएगी, नीचे नहीं आएगी। अब इसको मेंटेन करके रखना नरेश भाई। हाँ हाँ, बिना एक तो रिकॉर्ड है साहब, एक यूनिट भी बिना के 5 साल से सुन ले रहा हूँ साहब, 5 साल से। बात अच्छा, अब योग करना, इसको योग को मत छोड़ना बिल्कुल भी। हाँ क्या नाम है बाबा जी? ओम स्वामी जी। प्रणाम। डॉक्टर एम पी द्विवेदी जी। डॉक्टर साहब, ये रायबरेली से आया, उत्तर प्रदेश से। 30 यूनिट पर डे लेता था, आज से 10, कल शाम से 10 यूनिट शुरू किया। 30 से 10 पर आ गए? 30 से 20 पर, 10-10 दोनों टाइम। 10 छोड़ दिया। 30 से 20 पर आ गए हमारे डॉक्टर साहब, धीरे धीरे कम हो जाएगी। 168 से 92 पर आ गए शुगर लेवल। बात अच्छी। ओम स्वामी जी। ओम ओम। इंसुलिन आप देखते रहो। अब मान लीजिए आपकी शुगर कम हो रखी और इंसुलिन ऊपर से ले रहोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाओगे, ये है बात। आपकी कितनी कम हुई बाबा जी? ये तो अभी ग्लूकोमीटर साथ में लेके रखे हुए चेक कर रहे हैं।
कल तो थी मेरी 145 सुबह खाना खाने से पहले। खाली पेट 145 थी? 145। और ये इंसुलिन कितने लेते थे? इंसुलिन ले रहा हूँ मैं 10 10 + 8 + 22 50 50 पॉइंट 50 यूनिट सुबह से शाम तक। हाँ। कई बार लेनी पड़ती है, एक बार ज़्यादा लोगे तो शुगर डाउन चली जाएगी। तो आजकल तो ऐसे भी वो बना दिया है कि थोड़ी थोड़ी करके अंदर जाती रहती है, अब सुबह से शाम तक यही काम होता रहता है। चार चार बार सुई लगानी पड़ती है, फिर बार बार चेक करना पड़ता है कहीं डाउन ना चला जाए। बड़ा डेंजर मामला है शुगर का। और क्या नाम बाबा जी? हरी भगत। हरी भगत। हरी भगत। हाँ जी हरी। हमारे भाई 50 के करीब तो लेनी पड़ती थी। आप कितनी कितनी ली कल से इंसुलिन? कल मैंने लिए 8 8 और 10 और 20। माने कितनी कम हुई? 24 और 20। 8 8 6 कम लिया। 6 कम हुई इंसुलिन, अब थोड़ी थोड़ी कम। और अब शुगर कितनी है? अभी 124 आई है। 124 आई है। माने शुगर भी कम होगी और इंसुलिन भी कम होगी। अब इसको जो 20 ले रहे हो ना, उसको 10 कर दो। जब मेरे को 23 साल से शुगर है, मेरे को बराबर कंटिन्यू है। 23 साल से क्या, चाहे पिछले जन्म से लेके आया हो। लेकिन मैं टेबलेट ही लेता था, इंसुलिन अभी चालू किया 1 महीने से। ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन आपका धीरे धीरे, किसी का संकल्प शक्ति प्रबल है और शरीर ने साथ दे दिया। किसी की बॉडी ना धीरे धीरे रेस्पॉन्ड करती है, किसी की तुरंत। किसी का शरीर अड़ियल होता है, किसी का मन अड़ियल होता है, किसी किसी का पूरा सहज सरल होता है। अब कितनी लिख रही बेटा मुकुल? 130 लोग आते थे। 130। अब 130 रहती थी, ये लगाता था कुल मिला करके 28 8 2 16 10 28 56 56 के करीब इसने टोटली बंद कर दी। चलो तो अभी 300 के करीब कितनी आई? 333 300। तो अभी तुम एकदम बंद मत करो। 8 10 8 28 सुबह 8 यूनिट, शाम को 8 यूनिट, इतनी चालू रखो। 2 3 दिन में जब कम हो जाएगी तब बंद कर देना। ठीक है सर, है ना? फिर जवान है, 300 300 तो जाती रहती है इनकी शुगर वालों की। 300 फिर 250 फिर 200 ऊपर नीचे होती रहती है इंसुलिन लेते लेते भी। लेकिन अभी तुम सुबह शाम थोड़ी थोड़ी चाली रखो बेटा, है ना? चाहे 10 10 यूनिट ले लो। ठीक है सर। बाद फिर ये पूरी छूट जाएगी, क्योंकि 54 यूनिट है ना बेटा तुम्हारी। यस सर। कैसे हुई थी तुम्हें शुगर? सर ये गोलियों के उससे हो गई थी, बुखार में गोली रिएक्शन कर गई थी। एक ये बात मैंने हजारों बार कही है, मैंने मुकुल से इसीलिए पूछा, बचपन में बच्चों को बुखार की गोली देने से डायबिटीज होने की अधिक संभावना रहती है, खास करके टाइफाइड की गोली खाने से तो तुरंत होती है शुगर बच्चों को, और वो भी पेनक्रियाज पूरा ही खत्म कर देती हैं, जो भी सेंसिटिव, सबसे सेंसिटिव पार्ट है पेनक्रियाज। तो बच्चों को ये मत दीजिए टाइफाइड की दवाई एलोपैथी वाली। तो क्या दो? गिलोय दो, और उसमें हम बोलते हैं ना खूब कला, अंजीर और मुनक्का, 3 दिन में कैसा ही टाइफाइड हो ठीक हो जाता है। नहीं तो टाइफाइड वैसे भी आंत्र ज्वर होता है, वो आदमी को बहुत परेशान करता है। अब ये बुखार की दवाई खाई बेटे ने, कब होगी थी बेटा शुगर? 11 मार्च 2015 को। अभी हुई है सर? ओहो, बताओ इस उम्र में भी बुखार की दवाई खाई शुगर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम जल्दी रिवाइव कर लोगे, अभी हुई है ना? यस सर। तुम्हारा इसी शिविर में शुगर पूरा कंट्रोल हो जाएगा, बस इसको करते रहना, दोबारा से एक्टिव हो जाएगा तुम्हारा पेनक्रियाज। हिम्मत मत हारना। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 12th में पढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस बेटे की हिम्मत तो है कि मैं इंसुलिन छोड़ना चाहता हूँ। इसने, मैंने कहा भाई चेक करवा करके छोड़ना, बोला चेक होती रहेगी कोई दिक्कत नहीं। इसने ज़्यादा ही, कोई बात नहीं बेटा ना, अब एक दो दिन में छूट जाएगी पूरी। ठीक, आशीर्वाद। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जिनकी बंद हो गई वो हाथ उठाओ, बीपी की दवाइयाँ जिनकी बंद हो गई वो भी हाथ हिलाइए। ये भी बहुत बड़ी घटना है,
दुनिया के इतिहास में कभी किसी ने नहीं कहा था कि बीपी क्योर हो जाएगा। ये दवाइयां बंद होने के बाद बीपी नॉर्मल होना, यही तो क्योर होना है। बस लौकी का जूस पीते रहना। ये तो सैकड़ों भाई बहन है हमारे, बीपी पर तो मुझे कोई एक रत्ती भर भी शंका ही नहीं है, बल्कि शुगर में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, बीपी तो तुरंत कंट्रोल आता है। लौकी का जूस, आंवला, मुक्तावटी बड़ी इफेक्टिव है, थोड़े दिन लेनी पड़े तो ले लो। आपने बहुतों ने शायद मुक्तावटी ली भी नहीं होगी, खाली प्राणायाम किया और लौकी का जूस ही पिया है। किसी किसी ने मुक्तावटी ली, कितने ऐसे हैं जिन्होंने मुक्तावटी ली और कितने ऐसे हैं जिन्होंने नहीं ली और फिर भी ठीक कर ली। ज्यादा ना लेने वाले हैं हम, दवा का प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहे कि मुक्तावटी खानी जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। तो ये बीपी भी, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये आप तुरंत रिजल्ट ले लेते हो। मैंने आपको एक दिन पूरे रोगों की श्रेणी बताई थी कि कुछ रोगों में तुरंत फायदा हो जाएगा, किसी में थोड़ा देर में। अब बहुत से आए थे तब दर्द थे। अब देखो मैं कुछ सामान्य बातें पूछता हूँ। आने के बाद इन 7 दिनों में जिनके कमर का दर्द खत्म हो गया, वो हाथ उठाना। कमर का दर्द खत्म हो गया, हाथ हिलाइए जरा। कमर का दर्द हाथ हिलाओ जरा। ये देखो, बुलाया था ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के लिए और कमर में दर्द अच्छा हो गया। एक बार जोरदार अभिनंदन है। वेट से और भी कई, बॉडी का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रखा था, कमर में दर्द तो बहुत ज्यादा फायदा हो रखा भाई। ये तो और भी बात है, ये तो बीपी शुगर से भी ज्यादा इफेक्टिव है कमर दर्द। जिनको जोड़ों में दर्द में फायदा हो गया वो हाथ हिलाओ। जोड़ों के दर्द में, आर्थराइटिस में, जोड़ों का दर्द ना, जॉइंट पेन, हाथ हिलाना। इसमें भी उतने हाथ उठ रहे हैं कमर दर्द की तरह ही। जिनको जोड़ों में दर्द था उनका या तो दूर हो गया, दूर होना शुरू हो गया। आराम तो मिला है ना, बस मिल जाएगा, ऐसे लगे रहना। तो ये कमर दर्द, जोड़ों का दर्द। अच्छा, जिनको यहां आने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है, पहले से ज्यादा अच्छी नींद आ रही है, वो हाथ हिलाइयो। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, गोलियां लेनी पड़ती है लोगों को इसके लिए। हाथ हिलाना, क्या बात है, ये तो सारी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया आपने। जोरदार अभिनंदन है भैया। नींद तो बोले बाबा जी, आप इतना व्यायाम करा देते हो, इतना प्राणायाम करा देते हो, नींद तो आनी है, तो कर लो ना, इसमें दिक्कत क्या है। नींद की गोलियां खानी पड़ती है लोगों को। नींद तो योग निद्राई में ही आ जाती, यही आ जाती है। और कमरे में जाके तो बस यूं लगता है बस अब सो जाओ। और नहीं तो बहुतों का तो चक्र भी घूमता ही रहता है। बोले बाबा जी नींद कैसे आती, हम तो भूल ही गए। तो 2-4 को अभी थोड़ी दिक्कत होगी, वो थोड़ा पॉइंट दबा लेना, थोड़ा योग निद्रा और कर लेना, सोते सोते अनुलोम विलोम कर लेना। एक बोले बाबा जी सोते सोते अनुलोम विलोम कर लो, समय कहां है। मैंने कहा नींद तो तेरे को आती नहीं, समय ही समय है। अनुलोम विलोम करते करते नींद आ जाएगी, कितनी अच्छी बात है। निद्रा में बहुत फायदा हुआ। अच्छा, डाइजेशन, जिनको कब्ज में फायदा हुआ वो हाथ उठाओ। कब्ज पहले से ज्यादा अच्छे, पेट बढ़िया साफ होने लग गया एकदम फर्स्ट क्लास, हाथ हिलाना जरा। कब्ज में जिनको फायदा हो गया है? किसी किसी के तो बहुत जोर से हिल रहे। इसका मतलब पूरे बंद खुल गए। एक बहन जी तो पहले बोल रही थी बाबा जी कब्ज कैसे दूर होगी बताओ, अब गया, अब ऐसे हाथ हिला रही है जोर जोर से, लगता है इसका पूरा बंधन टूट गया है। तो ये हाँ, स्ट्रेस कहां रहेगा। अच्छा, यहां आकर के ज्यादा खुश रहने लग गए, तनाव दूर हो गया, ज्यादा खुश रहने लग गए, जरा हाथ उठाइए। सभी है इसमें तो। बोले बाबा जी ये तो परिवर्तन आता है। देखो इससे स्थान चेंज होने से भी आता है कुछ ना, घर से ऑफिस में, ऑफिस से घर में, बाथरूम से रसोई घर में, रसोई घर से बाथरूम में, फिर बाथरूम से बेडरूम में, बेडरूम से बाथरूम में, इधर उधर घूमते रहते हैं, वो पूरी एक जिंदगी का चक्रव्यूह वहां वाला थोड़ा चेंज होता है ना, इससे भी खुशी मिलती है। और यहां करके इतना सत्संग, भजन, ध्यान, खाली यहां प्राणायाम नहीं होता है, खाली आसन नहीं होते, खाली व्यायाम नहीं होता है, ध्यान, भजन, सत्संग, कीर्तन, सब चीजें होती हैं, माने ऑल इन वन, एक जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाती है।
ध्यान भी, भजन भी, सत्संग भी, कीर्तन भी, काउंसिलिंग भी, सब हो रहा है। तो तनाव दूर हो गया, खुश ज़्यादा रहने लग गए, कब्ज दूर हो गई। वैसे भी डाइजेशन, किसी किसी का तो मोटे तो थे लेकिन डाइजेशन अच्छा नहीं था। डाइजेशन में मैंने अच्छी तरह से खा लेते हैं, अभी जितना भी खाने को देते हैं आपको, ऐसे किसी के मुंह पर ताला तो लगा नहीं रखा, लेकिन जो भी खाने को मिला डाइजेशन अच्छा हो गया। पहले कचरा बहुत खाया लोगों ने, उससे खतरा हो गया। यहाँ सात्विक आहार दिया, डाइजेशन माने कब्ज की एक अलग बात है, गैस, एसिडिटी, इन बदहजमी, डाइजेशन अच्छा कितनों का हो गया? ये तो सभी का हो गया जिनका गड़बड़ था। अच्छा, चाय कितनों की छूट गई रे, हाथ हिलाइयो, चाय पी दी नहीं आपको, ये बढ़िया काम हो गया है। चाय की जगह दूध मिला है, क्या बात है।